नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिन बाद फाइनली आज टाइम मिला वीडियो बनाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ उनके लिए बनाते हैं वीडियोस जो हमारे साथ अकाउंट सीख रहे हैं। पहले तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल अकाउंट्स गुरु पे। यहाँ हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन डिटेल देख रहे हैं। ये सबके लिए सीखना भी ज़रूरी है जो अकाउंट्स कर रहे हैं। तो आइए, हम बेसिक चैप्टर हम कर रहे थे जर्नल का। हमने बहुत कुछ देखा है, आज हम देखते हैं और आगे समझते हैं और आगे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। तो आइए फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला टॉपिक जो है डिस्काउंट एंड रिबेट से है। डिस्काउंट एंड हम कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी शॉप, कोई भी मॉल में जाते हैं, हम पूछते हैं शॉपकीपर से कि भैया क्या डिस्काउंट चल रहा है, भैया क्या रिबेट है अभी। शॉपकीपर बोलता है ये रिबेट है, ये डिस्काउंट है। तो आइए आज हम वही टर्म डिस्काउंट को समझते हैं कि डिस्काउंट क्या है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे। तो आइए अब हम समझते हैं ये क्या है। पहले लिखते हैं, इट इज दी अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन दी प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और रिडक्शन इन टोटल अमाउंट पेबल फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेस। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, ये एक ऐसा अमाउंट है जो रिडक्शन ऑफ प्राइस जिसमें होता है, जिसमें गुड्स का रिडक्शन ऑफ प्राइस में हमें गुड्स मिलता है या सर्विसेज मिलता है, उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट भी फ्रेंड्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे हम कोई भी चीज बल्क परचेज कर रहे हैं, या कभी भी हम सपोज हम किसी शॉप पे जाते हैं, वहां पे फ्लैट 10% ऑफ लिखा हुआ है, तो वो पर्टिकुलर हर एक पर्सन के लिए है। तो उस वैसे डिस्काउंट को हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। मतलब अगर क्रेडिट में भी हम गुड्स ले रहे हैं तो वो डिस्काउंट मिलेगा, कैश में भी गुड्स ले रहे हैं तो वो डिस्काउंट मिलेगा, तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट है क्या इन रिटर्न। तो आइए देखते हैं मीनिंग इसका। इट इज ए रिडक्शन इन दी प्राइस ऑफ दी गुड्स अलाउड बाई दी सेलर टू दी बायर्स फॉर बाइंग गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। मतलब कि जैसे हम कहीं पर गए, वहां पर फ्लैट 10% है, तो सर्टेन पर्टिकुलर कुछ कुछ आइटम में वो 10% है, जैसे कि ओल्ड स्टॉक पे 10% है,
तो वही बता रही है, व्हेन सच। एक चीज और फ्रेंड्स, कि ट्रेड डिस्काउंट को हम हमेशा नेट में दिखाते हैं, मतलब हम अलग से ट्रेड डिस्काउंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते। जैसे नेट परचेज जो हो गया, नेट सेल्स जो हो गया, वैसे दिखाते हैं, मतलब सेल्स में से लेस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट को, तो वो हमारा नेट सेल्स दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं वन सच डिस्काउंट। मैं डिस्काउंट को DISC लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, इज अलाउड। परचेज एंड सेल्स आर रिकॉर्डेड इन दी बुक बुक्स एट देयर नेट वैल्यू। मतलब दैट इज परचेज लेस ट्रेड डिस्काउंट और सेल्स, अगर हम करेंगे तो सेल्स लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अब हमारा सेकेंड जो आता है वो आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ये भी एक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्काउंट है। जैसे सपोज कोई हम होलसेलर से कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उनका कुछ क्राइटेरिया होता है कि विद इन 1 वीक अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको कैश डिस्काउंट 2% मिलेगा। तो ये 2% जो है ये कैश डिस्काउंट हुआ, ये नेट ऑन इफेक्ट नहीं देता है, इसे हम अलग से शो करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि हर कस्टमर कैश डिस्काउंट अवेल नहीं करता, क्योंकि बहुत कोई है जो क्रेडिट पे भी काम करते हैं। तो आइए देखते हैं, इट इज अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट। इट इज अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ दी अमाउंट। सच अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स फॉर विच इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस बाय दी पार्टी अलाउइंग सच डिस्काउंट एंड इनकम। जिसे मिल रहा है उसे उसके लिए ये इनकम हो गया, जो दे रहा है उसके लिए एक्सपेंस हो गया। इनकम फॉर दी पार्टी रिसीविंग सच डिस्काउंट। तो जिसे जिसने हमें कैश डिस्काउंट दिया उसके लिए ये एक्सपेंस हो गया, और जिनसे हमें, मतलब जैसे मैं किसी आपसे ले रहा हूँ कुछ प्रोडक्ट, आपने मुझे कैश डिस्काउंट दिया तो ये आपके लिए एक्सपेंस हो गया, बट मेरे लिए क्या हुआ, ये 2% या जो भी हमारा डिस्काउंट है वो मेरे लिए इनकम हो गया। तो ट्रेड डिस्काउंट का तो हमारे लिए कोई भी जर्नल नहीं होता है,
कैश डिस्काउंट के लिए हमारे लिए जर्नल होता है। आइए हम देखेंगे कि जर्नल हम कैसे करते हैं। ऑन रिसीविंग कैश डिस्काउंट, हम रिसीव करते हैं कैश डिस्काउंट, तो हम जर्नल क्या पास करते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हम ये पास करते हैं। क्यों पास करते हैं? मतलब सपोज यहां मैंने क्रेडिटर ले लिया, जैसे मैंने एक्स वाई जेड एंड कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदा, सपोज उसका पेमेंट क्राइटेरिया था 7 डेज, तो एक्स वाई जेड मेरे लिए क्रेडिटर हो गए, तो क्रेडिटर हो गए तो हमारे पास में, हम जब क्रेडिटर को पैसा देंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि हम क्रेडिटर को दे रहे हैं। हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। हमें और क्या मिल रहा है? डिस्काउंट रिसीव। इनकम को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो वैसे अगर हम देखेंगे फॉर्मूला से जो हमने गोल्डन रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम हो गया, कैश हमारा एसेट्स हो गया, एसेट्स को हम क्या करते हैं वो देखना होगा, क्रेडिटर हमारा हो गया वो। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा पहला एक टर्म हुआ। अब सपोज हम ही बिजनेस है और हम ही अपने कस्टमर को या अपने डेटर्स को कैश डिस्काउंट दे रहे हैं कि भाई मेरा डेटर्स मेरे को पैसा जल्दी दे दे, तो हम उसके लिए कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। ऑन अलाउिंग कैश डिस्काउंट, इसमें सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा? कैश आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और हम उसे क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट जो भी अमाउंट है टू, हम किसको दे रहे हैं? हम दे रहे हैं अपने डेटर्स को, तो जिससे हमारे डेटर्स अपना पैसा दे देंगे। तो ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या हमारा जर्नल एंट्री हुआ डिस्काउंट को लेकर के। डिस्काउंट के बाद में हमने एक और पॉइंट देखा था, वो पॉइंट था हमारा रिबेट। रिबेट किसे कहते हैं? डिस्काउंट तो हम बोलते हैं कि भैया जो भी हमारा रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो भी हुआ उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। रिबेट कैसे बोलते हैं? आइए देखते हैं। इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। यहां तक तो डेफिनेशन सेम है, बट आफ्टर दी गुड्स हैव बीन सोल्ड फॉर रीजन अदर देन दैट फॉर अलाउिंग ट्रेड डिस्काउंट। इट इज ऑफर्ड
एंड अलाउड ऑन सेल्स कंप्लीटेड इन दी पास्ट, उसे हम रिबेट कहते हैं। तो रिबेट हम किसे कहते हैं, ये भी हमारे प्राइस ऑफ द गुड्स में ही आता है, जिसमें भी हम ट्रेड डिस्काउंट अलाउड नहीं किए हैं अदर देन मतलब ऐसे गुड्स में, तो हमारा सेल हो गया है, बट हमारा मन है कि भैया चलो ठीक है हमारे पास कस्टमर आए और आए, तो हम उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ उसमें रिबेट दे देते हैं, तो उसे ही हम मतलब कुछ हम उसे डिस्काउंट कर देते हैं, तो उसे हम रिबेट कहते हैं। तो एक सिंपल सा था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, हमने डिस्काउंट एंड रिबेट देखा। अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो जो भी लाएंगे उसमें एंट्रीज फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन देखेंगे कि स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन में हम क्या क्या एंट्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, वीडियो लास्ट तक देखें तब आपको पूरा समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, सीखते रहे सिखाते रहे। थैंक यू।